गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू शॉर्ट डिवीज़न मेथड। शॉर्ट डिवीज़न मेथड मींस, देखो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको लॉन्ग डिवीज़न के बारे में बताया था। जब हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो क्या होती है हमारी लॉन्ग डिवीज़न। ठीक है, एक होता है शॉर्ट डिवीज़न जिसको हम डेसिमल के थ्रू क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और हमें इस तरह से लॉन्ग डिवीज़न वे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करने वाली हूँ, शॉर्ट डिवीज़न मेथड। मैं आपको 10 से भी बताऊँगी डिवीज़न, 100 से भी बताऊँगी और 1000 से भी बताऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है इस इक्वेशन को बाय 100। 100 से अगर आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना, आपको जो भी ये नंबर गिवन है डिवीज़न मींस डिनोमिनेटर में जाएगा। डिवीज़न का मतलब यही होता है, ये कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो टू है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितनी है, टू। इट मींस यहाँ से टू डिजिट आप क्या कर दोगे, ऐसे लिखना 93, या इधर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सर्कल भी लगा सकते हो, या फिर डेसिमल के फॉर्म में अगर करना चाहो तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, डेसिमल भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, डेसिमल, क्योंकि मेरे पास 20 है तो मैं क्या करूँगी, डेसिमल पुट कर दूँगी यहाँ पे। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास जो डिजिट बची उनको एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया है, सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। ये जो नंबर रहेगा आपका 93, ये क्या बन गया आपका, रिमाइंडर। ये नंबर है जो 93, ये क्या बन गया आपका, रिमाइंडर। और ये जो नंबर आपका 378 आपको नज़र आ रहा है, ये आपका क्या है, क्वोशेंट। देखो कोई डिवीज़न भी नहीं करनी पड़ी और आपके सामने रिमाइंडर भी और क्वेश्चन भी है ना, इजी। तो ये होता है हमारा शॉर्ट डिवीज़न मेथड। ठीक है, इसी तरह से आपको सोल्व करना है। ये तो था 100 से, अगर हम 1000 से करें तो किस तरह से करेंगे, सेम आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको इस तरह से लिख लेना है, अब इसको कैसे लिखेंगे, नीचे कितनी नंबर ऑफ जीरो है, थ्री। इट मींस 163415 लिखेंगे और डेसिमल कहाँ पुट कर देंगे, 30123, तो यहाँ से थ्री डिजिट छोड़ के 123 क्या पुट करेंगे, डेसिमल। ठीक है, तो जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू रहेगी वो क्या होगी आपकी, डेसिमल के बाद वैल्यू आपकी 415 क्या बन जाएगा, 415 आपका बन जाएगा रिमाइंडर। और 163 आपका क्या हो जाएगा, क्वोशेंट। आई होप आपको ये अच्छे से बात समझ में आ रही होगी, इजी सा मेथड है बिल्कुल। तो यहाँ से लास्ट वन देख लेते हैं, आपको 10 से करना है। देखो 100 से सीख लिया, 1000 से सीख चुके हैं, आप इससे करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से डिवीज़न मींस डिनोमिनेटर में 10 जाएगा, 10 है तो कैसे लिखेंगे, 3115। डेसिमल कहाँ पुट करेंगे, 10 है तो 1 डिजिट छोड़ के, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, और ये जो नंबर है आपका 312, ये क्या हो जाएगा, क्वोशेंट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा शॉर्ट डिवीज़न मेथड के बारे में। ये हमारा थोड़ा सा शॉर्ट डिवीज़न मेथड के कुछ क्वेश्चन लेके मैंने आपको समझाया है, आई होप आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।